गर्मी, वो कह रही है, वो कह रही है कि मुसलमानों के इतने बच्चे क्यों हो रहे, मुसलमान इतने बच्चे कैसे पैदा कर रहे, मुसलमान ये क्या कर रहे, मुसलमान वो क्या कर रहे, तो ये क्या बात हो गई? अरे तो आपको आप जानकार, हाँ जानकार, मैंने पूछिए आप, और आप कितनी आयत जानती है? आप मेरे से सवाल ये क्यों कर रही है? आप ये बताइए कि आप क्या जानती है? मुझे ज्ञान मत दीजिए, आप मुझे ज्ञान मत दीजिए, आप मुझे मत ज्ञान दीजिए, आप मुझे ज्ञान मत दीजिए, अटकाइए मत क्या आप बीजेपी की, आप बीजेपी के साथ मिलके, आप बताइए कौन सी मुसलमान कंट्री में, कौन सी मुसलमान कंट्री में हिंदुओं को अल्लाह अकबर बुलाया जाता है? अरे कुरान की आयत अभी छोड़िए, आप ये बोलिए कौन सी मुसलमान की कंट्री में, आप ये बताइए सारे हिंदू काम करते हैं इतनी सारी मुसलमान कंट्रियों में? मुसलमान तो सबको बनना ही है एक दिन, कुरान में लिखा है अल्हम्दुलिल्लाह। हमने किसको धमकाया? तो ये लोग हमको मारेंगे, ये लोग हमको डराएंगे, ये लोग बोलेंगे जय श्री राम बोलो। आप पहले अपने आप को देखिए, आप देखिए क्या महिला की आप बात कर रही है? आप महिलाओं के लोगों के बारे में इतनी बक्चो। रूबिका लियाकत के सवाल का जवाब मैं नहीं दूंगा, आज रूबिका लियाकत मेरे सवाल का जवाब देगी, आज रूबिका लियाकत मेरे सवाल का जवाब देगी, आज रूबिका लियाकत मेरे सवाल का जवाब देगी कि कौन सी इस्लामिक कंट्री में मुसलमानों ने हिंदुओं से यह बुलवाया कि अल्लाह अकबर बोलो। ए इधर आ, इधर आ, ए इधर आ, इधर आ, इधर आ, तेरा नाम क्या है बोल? तेरा नाम क्या है? रिपलाल शर्मा। तेरा नाम क्या है बोल? इधर आ, तेरा नाम बोल, बोलना शर्मा। क्या नाम है तेरा? रिपलाल शर्मा। कब से काम करता है मेरे पास? 2 साल से। हाँ, 2 साल से। कभी तेरे को मैंने कोई प्रॉब्लम नहीं? मेरे पास कितने हिंदू काम करते हैं? नहीं, करते हैं ना कम से कम 8-10। 8-10 हिंदू मेरे साथ काम करते हैं। मुझे मत सिखाओ इस्लाम क्या कहता है। हमने, अरे बिग बॉस नहीं, आपको बिग बॉस में जाना चाहिए। आप बहुत अच्छे से झूठ बोलती है, अच्छे से बातें घुमाती है, आपको बिग बॉस जाना चाहिए। सर मेरे तरफ से पूरा डाउट नहीं तो फिर आवाज ही। हाँ, हम तो मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और हमको गर्व है मुसलमान होने पे अल्हम्दुलिल्लाह। हम कोई गुमराह नहीं कर रहे, किसी मुसलमान को मैंने ना गुमराह किया है और ना मैंने किसी को। अल्हम्दुलिल्लाह। एक पे है मेरे कैमरे का, कैमरे का एक पे। आयत बताइए। अरे आप कुरान पढ़िए तर्जुमे के साथ। चलिए आप आयतुल कुर्सी पढ़ के बताइए, फिर मैं पढ़ के बताता हूँ। आप अल्हम्दो पढ़ के बताइए। अरे आप छोड़ दीजिए इस्लाम को, आप छोड़ दीजिए रूबिका लियाकत जी। अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ बोलिए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमान अर्रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन अहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लजीना अन'अमता अलैहिम गैरिल मग़दूब अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। इसका मीनिंग मालूम है? आमीन। यू की क्वाइट। बहुत बकबक करती है आप हमेशा, आज सुनिए। अरे हम मुसलमान हैं और हमारी कौम पे कोई तकलीफ आती है, हमको दुख होता है। क्या क्लियर हो जाए, क्या क्लियर हो जाए? आप तो फैन है हमारी, खुल के बोलिए ना कि आप मेरी फैन है, खुल के बोलिए आप मेरी फैन है अल्हम्दुलिल्लाह।
क्या आपत्ति नहीं है आपको? तो सच क्या है? सच यह क्या है कि तबरेज मर गया, उसको चोर बोला जा रहा है? सच यह है कि जय श्री राम के नारे लगवा के इतने मुसलमानों को मार दिया जा रहा है? सच यह है कि हमको डराया जा रहा है आरएसएस से, बजरंग दल से? सच यह है? अरे आप कैसी बातें कर रही हैं, आप बताओ किसने तोड़ा? अरे आप छोड़िए, आप मोदी जी की है मुझे पता है, आप टेंशन ना लीजिए। आप कभी मोदी जी से ऐसे सवाल नहीं करती कि ये जो हमारे प्रधानमंत्री का पूरी दुनिया में नाम खराब कर रहे हैं, पूरी दुनिया हम पे हंस रही है, पूरी दुनिया हंस रही है, भारत देश पीछे होता चला जा रहा है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम, ये क्या है? क्यों दिक्कत क्या है? जबरदस्ती बुलवाओगे? जबरदस्ती बुलवाओगे जय श्री राम? जय श्री राम जबरदस्ती बुलवाओगे? अरे मोहब्बत से मुसलमानों से कुछ भी करवा लो, क्या जबरदस्ती जय श्री राम बुलवाओगी आप? तुम बोलो जय श्री राम, हम नहीं बोलने वाले हैं। तुम बोलो रूपी का लिया कर जय श्री राम, एजाज खान नहीं बोलेगा जय श्री राम। तुम कौन है बे? तू कौन है बे? तू कौन है बे चोर? अबे चोर तू कौन है बे? तू कौन है? अबे तेरे से बात ही नहीं करनी मेरे को, तू हटना, मेरे को जिससे बात करनी है करने दे, मेरे नाम पे टीआरपी मत ले, तू मेरे नाम पे टीआरपी मत ले, फेमस हो जाएगा तू। अरे मेरा नाम एजाज खान है, तू कौन है? चवन्नी के छुट्टे, ए तू सबसे बड़ा जाहिल है, देख तेरे को कितनी गालियां पड़ेगी मुसलमानों की, ये लिख ले तू। अबे मीर सादिक की औलाद, मीर जाफर की औलाद, मीर सादिक की औलाद है तू और मीर जाफर की औलाद है तू। अरे खान भी नहीं है, कहां से खान आया? अबे टीआरपी मेरे से ही आएगी, टीआरपी मुझसे ही आएगी। थैंक यू रूबिका लियाकत जी, थैंक यू। अबे तू कौन होता है इस्लाम को बताने वाला? किस तरह का असर पहुंचता है? अरे मेरे पास कई पत्थू भी आ जा, काम तेरे को भी देता हूं मैं। हम क्या बन गए? हम सोशल वर्कर बन गए। कलाकार से बड़ा होता है रियल हीरो। कलाकारों को बोलने का हक नहीं है, बेचारे कुछ बोलते हैं तुम्हारे जैसे लोग उनके पीछे पड़ जाते हैं। नहीं बनना मुझे कलाकार। तो मैंने कौन से हिंदू भाई को मार दिया बे? मैंने कौन से हिंदू भाई को मार दिया? पहले तुमने शुरू किया। ठीक है, मैं आपकी बात सुन लूंगा। ओके आई विल लिसन टू यू।
सही है, आपकी बात सही है, लेकिन इसने पायल जी ने यह कहा कि इनका दोनों का निकाह भी हुआ है कि नहीं, इनका ट्रिपल तलाक हुआ है कि नहीं, आप वीडियो पूरा देखिए, वो क्या बोल रही है सबाना जी को कि ये दोनों का लीगल मैरिज है या नहीं है। सबाना जी लीजेंड, आप पूरा वीडियो देखिए। अरे नासिर जी तुम टीवी के एक्टर हो यार, मैंने कभी टीवी किया ही नहीं हूं यार, आप टीवी के एक्टर है, मैंने कभी टीवी नहीं किया नासिर अब्दुल्ला साहब। आप पहले मेरी एक बात सुन लीजिए कि पूरी बात करिए, आप कह रहे हैं कि उसने ये कहा कि ये औरत का जावेद अख्तर से शादी हुआ है कि नहीं, इनका हलाला हुआ है कि नहीं, ये उनकी दूसरी बीवी है कि नहीं, इनका ये हुआ है कि नहीं, तो ये सब सही है? वीडियो देखिए ना, फिर आप किसी डिबेट में आते हैं तो बिना वीडियो देख के आ जाते हैं आप। मेरा वीडियो देख लिया पायल रोहतगी का, वीडियो नहीं देखा, ये बात और है, मेरा वीडियो बहुत लोग देखते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तोबा अस्तगफार, अल्लाह आपके जनाजे को भारी ना करे, अल्लाह आपको सुकून वाली मौत दे। अरे आप वीडियो तो देखिए, रूबिका लियाकत जी ने वीडियो देखा है, आप उनसे पूछ लीजिए। रूबिका लियाकत जी आप बताइए कि पायल रोहत जी ने ये बातें की या नहीं की। मैं आपको दिखाता हूं, ला पायल का वीडियो ला, मैं आपको दिखाता हूं, एक सेकंड पायल।